आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की करी। इसको आप कुकर में बहुत आसानी से बना पाएंगे। नमस्कार, भूमिज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, लाइक शेयर ज़रूर करें। यहाँ पे मैं सफ़ेद मटर ले रही हूँ और इसको 4-5 घंटे भिगोने के लिए रख दिया था। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं तो रात को भिगोने के लिए रख दीजिए और सुबह इसको बना सकते हैं। तो एक कुकर में मैं भिगोया हुआ मटर को डाल दिया है। इसमें मटर को हमने भिगोने से पहले अच्छे से धो के भिगोया था। और यहाँ पे आलू मैं एक ले रही हूँ, आलू को छील के पीसेस में काट लिया है। और यहाँ पे टमाटर है दो, और यहाँ दो हरी मिर्च, और नमक आप लेंगे आपके स्वादानुसार। इसमें हम एक चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और यहाँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। और ये है सब्जी मसाला, आप किसी भी दुकान में मार्केट में मिल जाएगा सब्जी मसाला आसानी से। और यहाँ अदरक और लहसुन कुटी हुई थोड़ी सी, और यहाँ एक प्याज कटी हुई, और एक कप एक बोल के जितना हम पानी डालेंगे, लगभग 200 से 250 ml जितना पानी। और इसमें हम तेल डालेंगे एक चम्मच, क्योंकि जब भी आप दाल या फिर मटर कोई भी चीज़ पकाएं कुकर में तो एक चम्मच तेल ज़रूर डालें। इसमें हम एक चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे ताकि मटर जो है अच्छे से पक जाएगा। तो इसको हम ढक्कन लगा के लगभग 2 से 3 सीटी आने तक पकाना है। इसको 2 से 3 सीटी आने तक पकाने के बाद तुरंत ना खोले, लगभग 5 मिनट रखने के बाद ही इसको खोल सकते हैं। तो हमारा आलू मटर जो है देखिए पक गया है अच्छे से। अभी हम इसको छौंक लगाएंगे। इस तरीके से आप कुकर में बहुत ही आसानी से बनता है और इसका स्वाद भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। सेम आप जैसे ग्रेवी बना के बनाते हैं उसी तरीके से इसका स्वाद भी आता है। तो एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है सरसों का तेल, इसमें मैंने डाल दिया है जीरा और राई। अभी मैं इसमें डालूँगी हींग, हींग जो है ऑप्शनल है। और इसमें हम डालेंगे करी पत्ता। अभी हमारा जो पकाया हुआ आलू मटर था इसमें हम छौंक लगा देंगे। अगर इसका पानी थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें आप आधा कप के करीब पानी डाल सकते हैं और इसको लगभग 1 से 2 मिनट तक फिर से मीडियम आंच पर पकाएं, ताकि ये पानी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। 1-2 मिनट पकाने के बाद ये रेडी हो गया है। आप चाहें पूरी, चपाती, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।